हेलो जय हिंद एस्पिरेंट्स, आई समीक्षा शर्मा वेलकम यू ऑल टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ निम्बस डिफेंस अकेडमी। स्टूडेंट्स, एज यू नो योर एनडीए एग्जाम इज राइट अप देयर, तो ये वाला टाइम आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यस, सो निम्बस डिफेंस अकेडमी आपके लिए लेके आए हैं एक ऑनलाइन सीरीज। सो इन दैट सीरीज आई विल बी टेकिंग अप योर वोकैब सेक्शन। यस, सो वोकैब से बिल्कुल भी डरना नहीं है। यस, हम लोग रूट वर्ड्स के थ्रू उसको अंडरस्टैंड करेंगे और दिस आई विल मेक श्योर कि आप ना उन वर्ड्स को यू विल नेवर फॉरगेट। हम इस वे में करेंगे, रूट वर्ड्स को अंडरस्टैंड करते करते हम वर्ड्स को समझेंगे। यस, सो अच्छा, वीडियो पे आने से पहले मैं आपको ना आपका जो इंग्लिश में आपका पैटर्न रहता है मैं वो थोड़ा सा ब्रीफ दूंगी आपको, क्योंकि क्या होता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को यही माइंड में क्लियर नहीं रहता कि हमने पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़ना है, किस एरिया पे ज़्यादा फोकस करने की नीड है। यस, सो फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद दैट, देन विल कम टू आवर टॉपिक। सो एनडीए की बात करें, एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता है कि वी हैव 50 क्वेश्चंस। ठीक है, एनडीए में इंग्लिश सेक्शन में से आपको 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब ये वाले 50 क्वेश्चंस 10-10 के पार्ट में डिवाइड रहते हैं। ठीक है, 10 हमारे सिनोनिम रहते हैं। ठीक है, 10 हमारे एंटोनिम रहते हैं। यस, 10 हमारे इडियम फ्रेजेस रहते हैं। 10 idiom phrases रहते हैं। 10 we have para jumbles। 10 we have para jumbles and 10 questions spotting errors। ठीक है, जो कि ग्रामर पोर्शन रहता है हमारा। यस, सो इस वे में ये वाले 50 questions डिवाइड रहते हैं। ठीक है, अब बच्चों क्या होता है ना, ये वाली चीज जो है ये आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि किस एरिया पे आपको ज़्यादा फोकस करने की नीड है ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। यस, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि 20 क्वेश्चंस सीधे कहाँ से आ रहे हैं, सिनोनिम एंटोनिम विच इज़ वोकैब। यस, अब हमें पता है कि वन क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स, सो ये वाले 40 क्वेश्चंस हो जाते हैं, 40 मार्क्स। दिस इज ऑल्सो 40 मार्क्स, सो 80 मार्क्स जो हैं वो हमारे सीधे सीधे कहाँ से आ रहे हैं, वो कैब से आ रहे हैं। यस, और idiom phrases के भी 40। सो हाउ यू स्कोर गुड, देखो पढ़ना सबने है लेकिन स्ट्रेटेजिकली अपनी प्रिपरेशन को प्लान करना है कि आप किस एरिया पे ज़्यादा फोकस करके ज़्यादा स्कोर, बिकॉज क्या है ना अल्टीमेट एम हमारा क्या है, स्कोर। ठीक है, तो स्कोर 80 + 40 कितना हुआ, 120। यस, सो 50 क्वेश्चंस अगर रहते हैं तो हमारा ये कितने मार्क्स बनते हैं, 200 मार्क्स का हमारा इंग्लिश का रहता है एनडीए में। ठीक है, सो आपको किस एरिया पे ज़्यादा फोकस करने की नीड है ये चीज़ आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए स्टूडेंट्स। यस, अब उसके बाद पैरा जंबल्स, मैं तो ये चीज़ मानती हूँ कि इस एरिया पे ना ये जो idiom phrases और पैरा जंबल, इनमें तो प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस, जितने आप प्रैक्टिस करोगे, जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे प्रीवियस ईयर से या फिर और मॉक टेस्ट से, तो आप डेफिनेटली मतलब यू विल स्कोर गुड। ठीक है, सो 200 में से आप 120 प्लस का टारगेट आपका रहना चाहिए। यस, अब वो चीज़ कहाँ से रहेगी, एक वो कैब, ठीक है, idiom phrases एंड पैरा जंबल। इस एरिया पे अगर आप ना प्रैक्टिस करोगे कॉन्टिन्यूसली विद फुल डेडिकेशन, सो आप 120 प्लस यू कैन स्कोर। यस, सो ये चीज आई होप स्टूडेंट्स को क्लियर होगी होगी। सो नाउ विल कम टू आवर यस टॉपिक। सो बिफोर स्टार्टिंग फर्दर यू कैन ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम ऑल्सो, दैट इज निम्बस डिफेंस अकेडमी। यस, सो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे ना, फर्स्ट जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा पर्सनैलिटीज़ के ऊपर। जो हमारा फर्स्ट सेशन रहेगा दैट इज़ ऑन पर्सनैलिटीज डिफरेंट। अब देखो ऐसा क्या चीज़, देखो अब हम ह्यूमन बींग्स हैं। ठीक है, सो डिफरेंट पर्सन की डिफरेंट पर्सनैलिटी होती है। ठीक है, एवरी पर्सन हैज़ देयर ओन पर्सनैलिटी और वो वेरी करती है। सो उन्हीं पर्सनैलिटी से रिलेटेड कौन कौन से वर्ड्स हैं वो हम रूट वर्ड्स के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे।
ठीक है. सो दिस इज आवर टॉपिक फॉर टुडे. ये वाला जो टॉपिक है ये दो पार्ट्स में आएगा, पार्ट ए और पार्ट बी. सो टुडे विल स्टार्ट विद पार्ट ए. दिस इज द कंटेंट. यस, कि दीज आर द थिंग्स विच वी आर गोइंग टू कवर इन आवर वीडियो. कि दोज द पर्सन्स हु आर इंटरेस्टेड इन योर इन देयर ओन वेलफेयर, सो उसके लिए कौन सा वर्ड है. यस, दोज पर्सन्स हु आर कॉन्स्टेंटली टॉक अबाउट योर सेल्फ, उसके लिए कौन सा वर्ड्स है. तो ये चीज़ें हम अपनी वीडियो में कवर करेंगे थ्रू रूट वर्ड्स. यस, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड. सो फर्स्ट वर्ड स्टूडेंट्स, फर्स्ट वर्ड हमारा है ईगो. यस, सो फर्स्ट वर्ड इज ईगो. दिस इज द रूट वर्ड हियर. ठीक है, दिस इज अ रूट वर्ड. अब ना हम ईगो से ही देखेंगे फोर वर्ड्स के मीनिंग अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे ईगो का रूट, ईगो इज रूट वर्ड जिसका मीनिंग होता है आई. ठीक है, ईगो इज अ रूट वर्ड हियर. ठीक है, एंड इट्स मीनिंग इज आई. ठीक है, ईगो रूट वर्ड है जिसका मीनिंग है आई. अब हम ईगो से ही फोर वर्ड्स के मीनिंग अंडरस्टैंड करेंगे. ठीक है, अब आते हैं हमारे फर्स्ट वर्ड पे. सो फर्स्ट वर्ड इज ईगोइस्ट. ठीक है, फर्स्ट वर्ड इज ईगोइस्ट. सो ईगो मैंने आपको क्या बताया, ईगो इज अ रूट वर्ड जिसका मीनिंग है आई. अब ईगोइस्ट पर्सन कौन होते हैं. ईगोइस्ट पर्सन्स आर दोज पर्सन्स हु आर लाइक सेल्फिश काइंड ऑफ नेचर. ठीक है, कि इन देयर लाइफ इफ दे आर टेकिंग एनी डिसीजन, सो दे आर द वन थिंग दैट इज ऑलवेज इन देयर माइंड इज व्हाट्स इन इट फॉर देम. ठीक है, उसमें जो पर्टिकुलर चीज है उसमें उनका प्रॉफिट क्या है, वो हर स्टेप अपनी लाइफ का ओनली उसी चीज को लेके करते हैं. ठीक है, सो ईगोइस्ट इज अ वर्ड जो हम एक पर्सनैलिटी के लिए यूज करते हैं. सो इस पर्सनैलिटी का आइडिया क्या रहता है कि अगर इफ दे आर टेकिंग एनी डिसीजन इन देयर लाइफ, कोई भी डिसीजन हो, कोई भी, अगर वो फॉर एग्जांपल अगर वो आपसे बात कर रहे हैं तो उसके पीछे उनका एक अपना प्रॉफिट है. ठीक है, उनकी सेल्फिशनेस है. तो ईगोइस्ट क्या होते हैं, मी फर्स्ट. ठीक है, इनके माइंड में क्या आइडिया रहता है, मी फर्स्ट. ठीक है, ईगो इज आई, है ना. तो ईगोइस्ट पर्सन्स कौन होते हैं, जो कि ऑलवेज दे टेक देम एज अ मी फर्स्ट, अपने को सबसे पहले आगे रखना, अपनी ग्रीड, है ना, उस चीज़ को ही वो रख के लाइफ में कोई भी स्टेप लेते हैं. दोज पर्सन्स आर कॉल्ड एज ईगोइस्ट पर्सन्स. यस, अब आते हैं सेकेंड वर्ड पे, दैट इज ईगोटिस्ट. अब ईगोटिस्ट पर्सन्स कौन होते हैं, ईगोटिस्ट जो पर्सनैलिटी के पर्सन होते हैं ना बच्चों, वो क्या होते हैं, कॉन्स्टेंटली टॉकिंग अबाउट themselves. यस, चार लोग साथ में बैठे हैं ना तो वो अपने ही बारे में बोले जा रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, मैंने ये किया, मैंने वो किया. सो कॉन्टिन्यूसली दे आर टॉकिंग अबाउट themselves. सो दोज पर्सन्स आर कॉल्ड एज ईगोटिस्ट पर्सन्स. यस, अब इसमें क्या आइडिया रहता है, देर इज हाइट ऑफ कंसीट. ठीक है, कंसीट इज ईगो. ठीक है, एटीट्यूड. सो ईगोटिस्ट पर्सनैलिटीज के जो पर्सन होते हैं, दे आर कॉन्स्टेंटली टॉकिंग अबाउट themselves. चार लोग बैठ गए तो फिर भी वो अपने ही बारे में बोलने लगे हुए हैं. ठीक है, सो दीज आर द टू वर्ड्स. ईगो से हमने क्या बोला कि हम ईगो से ही चार वर्ड्स के मीनिंग अंडरस्टैंड करेंगे. फर्स्ट वर्ड हमने क्या करा, ईगोइस्ट. ईगोइस्ट मैंने क्या बताया कि ईगोइस्ट आर दोज पर्सन. ठीक है, दे आर ऑलवेज टेकिंग themselves एज मी फर्स्ट, है ना, अपने आप को पहले रखना, बाकी बातें बाद में. ईगोटिस्ट मैंने क्या बताया, कॉन्स्टेंटली अपने ही बारे में बोलते रहते हैं, अपने ही प्रेज करते रहते हैं. ठीक है, बोस्ट भी आप इसको बोल सकते हैं. ठीक है, बोस्ट या फिर दे आर बोस्टफुल. ठीक है, अपने ही बारे में बोलते रहते हैं. सो दीज आर द टू वर्ड्स. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज ईगोसेंट्रिक. अब ईगोसेंट्रिक क्या होते हैं बच्चों, सेल्फ सेंटर्ड पर्सन होते हैं. और अगर हमने इसी से देखना है ना तो ईगोइस्ट हमने अंडरस्टैंड कर लिया. अब ईगोइस्ट की ना एक्सट्रीम फॉर्म होती है, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ ईगोइस्ट. ठीक है, ईगोसेंट्रिक पर्सन क्या होते हैं, ईगोसेंट्रिक पर्सन सेल्फ सेंटर्ड पर्सन होते हैं. ठीक है, ईगोसेंट्रिक पर्सन्स आर सेल्फ सेंटर्ड पर्सन एंड दिस इज द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ ईगोइस्ट.
ठीक है। सो इगोइस्ट हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि जो सिर्फ आपसे अपना प्रॉफिट देखे बिना कोई स्टेप लेते नहीं लाइफ में, तो उसकी भी एक्सट्रीम फॉर्म इज ईगो सेंट्रिक। नेक्स्ट इज ईगोमैनियक। अब ईगोमैनियक पर्सन कौन होते हैं? ईगोमैनियक पर्सनैलिटी के पर्सन के लिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ना एक और रूट वर्ड है, दैट इज मैन्य, ठीक है, एंड दैट इज ऑब्सेशन। ऑब्सेशन भी कौन सा? मॉर्बिड। यस, जब आपके एम, आपकी डिजायर्स आपके लिए एक मॉर्बिड ऑब्सेशन बन जाता है, देन दैट पर्सनैलिटी इज कॉल्ड एज ईगोमैनियक, ठीक है, दैट इज डेंजरस। एक तो होता है ऑब्सेशन होना, हर किसी पर्सन में होता है ऑब्सेशन किसी भी चीज के लिए, बट मॉर्बिड ऑब्सेशन इज समवट और समवेयर इज डेंजरस, ठीक है। सो ये फोर वर्ड्स हैं, हमने एक एक अंडरस्टैंड करा। एक थोड़ा सा ब्रीफ में फिर से दे देती हूँ। ईगो से हमने स्टार्ट करा। ईगो इज, मैंने क्या बोला, ईगो इज आर रूट वर्ड हियर। ईगो का मीनिंग होता है आई। यस, अब ईगोइस्ट पर्सन कौन होते हैं? जिनका आइडिया क्या रहता है? मी फर्स्ट, ठीक है, मी फर्स्ट, अपने आप को पहले रखना, ग्रीडी नेचर के बोल सकते हैं हम। यस, ईगोइस्ट। फिर हमने करा ईगोटिस्ट, जिसमें क्या होता है, देयर इज अ हाइट ऑफ कंसीट। यस, ऑलवेज टॉकिंग अबाउट देमसेल्व्स, ऑलवेज, है ना, तो ये वाला थोड़ा सा इरिटेशन वाला काम हो जाता है। बट हम ना ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज ऑब्नॉक्शियस, ठीक है, ऑब्नॉक्शियस। अब ऑब्नॉक्शियस क्या होता है? दिस इज मतलब डिसप्लीजिंग। यस, ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट, मतलब दीज आर द वर्ड्स ना, कि इनके लिए एक वर्ड यूज होता है ऑब्नॉक्शियस, ठीक है, दिस इज डिसप्लीजिंग। ईगोसेंट्रिक की मैं बात करूं, दिस इज द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ ईगोइस्ट। तो अगर ये एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ ईगोइस्ट है, तो ये चीज क्या है, समबडी इज लाइक, वी कैन नॉट लाइक, दिस इज इंटॉलरेबल, है ना। अब ये तो चलो फिर भी ठीक है, अगर हमारे साथ में, आई एम श्योर आपने भी अपने सराउंडिंग में, अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में इन पर्सनैलिटीज के लोग डेफिनेटली आपने देखे होंगे, ठीक है। अब ईगोसेंट्रिक कौन होते हैं? एक्सट्रीम फॉर्म बताया मैंने, सो दिस इज इंटॉलरेबल। और ईगोमैनियक मैंने क्या बताया आपको? मॉर्बिड ऑब्सेशन, पागलपन, बिल्कुल ही अपनी एम के लिए बिल्कुल ही पागलपन, सो दैट इज डेंजरस, है ना, किसी भी लाइफ, किसी भी पर्सन की लाइफ के लिए दैट थिंग इज डेंजरस। यस, सो ये वाले पॉइंट क्लियर हो गए। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, यहाँ पे जो हमने फर्स्ट स्लाइड में चीजें अंडरस्टैंड करी है, सेम वही चीज है। ईगोइस्ट इज बिलीव इन सेल्फ एडवांसमेंट, ठीक है। ईगोटिस्ट टॉक अबाउट अकम्प्लिशमेंट, जो अपने ही बारे में बोलते रहते हैं ऑलवेज। ईगोसेंट्रिक, हु कंसीडर हिमसेल्फ इन द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, है ना। और ईगोमैनिक, ऑब्सेसिवली रैप्ड इन अप इन वन सेल्फ। तो ये सेम चीजें हैं जो हमने फर्स्ट स्लाइड में अंडरस्टैंड करी है। नेक्स्ट इज अल्ट्रुइस्ट। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि जैसे ना ईगोसेंट्रिक है, तो ईगोसेंट्रिक पर्सन को एज ईगोसेंट्रिक, सॉरी, ईगोसेंट्रिक जो वर्ड होता है ना, उसको हम एज अ नाउन भी यूज करते हैं और एज अ एडजेक्टिव भी यूज करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको टू सेंटेंसेस के एग्जाम्पल दूं, जैसे ही इज द मोस्ट ईगोसेंट्रिक पर्सन आई हैव एवर मेट। सो ही इज द मोस्ट ईगोसेंट्रिक पर्सन आई हैव मेट एवर मेट, ये यहाँ पे क्या है, एज अ एडजेक्टिव वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। और एज अ नाउन अगर मैं बात करूँ, सो वट एन ईगोसेंट्रिक पर्सन ही इज, सो ये बोथ वेज में यूज होता है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ईगोमैनियक है ना, ये नाउन नाउन है, ठीक है। अगर हमने इसकी एडजेक्टिव फॉर्म लगानी हो, तो हम इस वर्ड में एक सफिक्स ऐड कर देते हैं, ए एल, ठीक है। इफ हमने इसमें सफिक्स ऐड किया, तो ये क्या हो जाएगा, ईगो मैनियकल, ठीक है। ए एल वर्ड जो है, दैट्स अ सफिक्स, है ना, अगर ये किसी वर्ड के साथ ऐड हो जाता है, तो वो उसकी एडजेक्टिव फॉर्म बन जाती है, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट, यस, ईगो रूट वर्ड क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट रूट वर्ड इज अल्टर, ठीक है, नेक्स्ट रूट वर्ड इज अल्टर। अब हम देखेंगे अल्टर
यस, अल्टर इज अ रूट वर्ड हियर, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है अदर या फिर चेंज. अब अगर आपको अल्टर का मीनिंग अदर होता है, ये चीज अगर आपके माइंड में क्लियर है, तो आप देखोगे ना आगे हम 5 to 6 वर्ड्स के मीनिंग अंडरस्टैंड करेंगे ओनली इसी कंसेप्ट से. अगर आपको अल्टर का मीनिंग अदर होता है, ये चीज आपके माइंड में क्लियर है, देन आप लोग अपने आप देखोगे. फर्स्ट वर्ड इज अल्ट्रुइस्ट, ठीक है. अब आप अच्छा, अब जो हमारा टॉपिक है उस पर आ जाइए. हम कर रहे हैं पर्सनैलिटीज के नेम, डिफरेंट पर्सनैलिटीज के क्या क्या नेम होते हैं. अब अल्ट्रुइस्ट पर्सन कौन होते हैं? बिलीव्स इन वेलफेयर ऑफ अदर, ठीक है. जो अल्ट्रुइस्ट पर्सनैलिटी के लोग होते हैं ना, वो ऑलवेज बिलीव्स इन द वेलफेयर ऑफ अदर, ठीक है. वो एक तरह से हम उसमें ले लें कि देर द सीक्रेट ऑफ देयर हैप्पीनेस, यही उनकी सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस का होता है कि विदाउट एनी प्रॉफिट. अब जैसे इगोइस्ट पर्सन का लिया था हमने फर्स्ट स्लाइड में. इगोइस्ट पर्सन कौन थे? जो अपना प्रॉफिट दे के आपसे बात कर रहे थे, या फिर अगर वो बात करने की बात नहीं है, जैसे अगर वो हेल्प भी, अगर फॉर एग्जांपल दे आर हेल्पिंग यू, तो उसमें भी उनके पीछे उसमें कोई लॉजिक है या फिर उनका माइंड में कुछ चल रहा है. यस, अब यहाँ पे अल्ट्रुइस्ट पर्सन, अल्ट्रुइस्ट मैंने क्या बोला कि जो बिलीव्स इन वेलफेयर ऑफ अदर, ठीक है. दे द सीक्रेट ऑफ द ट्रू हैप्पीनेस इज वेलफेयरिंग, है ना. तो अब ये कहाँ से आया, देखो, बिलीव्स इन वेलफेयर ऑफ अदर. अदर अल्टर यहाँ पे है ना रूट वर्ड, तो अल्टर का मीनिंग होता है अदर. तो यहां से बिलीव्स इन द वेलफेयर ऑफ, किसकी वेलफेयर? अदर्स की, ठीक है. अब अल्ट्रुइज्म, अल्ट्रुइज्म दिस इज अ अल्ट्रुइस्ट, है ना, पर्सन के लिए यूज हो रहा है. और अल्ट्रुइज्म इज अ फिलॉसफी प्रैक्टिस्ड बाय अल्ट्रुइस्ट, जो अल्ट्रुइस्ट पर्सन होते हैं, द फिलॉसफी प्रैक्टिस्ड बाय देम इज अल्ट्रुइज्म, ठीक है. अच्छा, अब नेक्स्ट वर्ड है अल्टरनेट. अब देखो बच्चों, अल्टरनेट वर्ड तो हम डेली लाइफ में भी हम यूज करते हैं, ठीक है, जिसका मीनिंग क्या होता है, यू स्किप वन एंड टेक द अदर, ठीक है. कहाँ से आया है? सेम अदर, अल्टर का मीनिंग होता है अदर, तो इसमें अल्टर रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है अदर. सो यू स्किप वन एंड टेक अदर, ठीक है. अल्टर, मैं फिर से बोल रही हूँ, अल्टर अगर आपके माइंड में क्लियर होगा ना, तो आप 5 to 6 वर्ड्स के मीनिंग इसी से निकालोगे, आपको रटने की नीड नहीं है. देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है, क्रैमिंग नहीं करनी होती चीज़ों को समझ के. मैं सिर्फ इंग्लिश या वोकैब की बात नहीं कर रही हूँ, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट ले लो, क्रैमिंग नहीं करनी होती उनको. अंडरस्टैंड करके अगर हम जैसे चीज़ों को समझते हैं ना, तो वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए हमारे माइंड में रहती हैं, ठीक है. और एक और चीज़ होती है, आप ना खुद में अर्ज होनी चाहिए कुछ भी सीखने की. अब ऐसा नहीं कि धक्के मार के आपको कोई पर्सन करवा रहा है. अगर आप में खुद में अर्ज होगी ना, तो वो चीज़ें ज़्यादा ईजिली और जल्दी आपके माइंड में जाती हैं, ठीक है. चलो नेक्स्ट वर्ड में आते हैं, अल्ट्रुइज्म, ठीक है. अल्ट्रुइस्ट एंड अल्टरनेट हो गया. नेक्स्ट वर्ड इज अल्ट्रेशन, ठीक है. अब मैंने क्या बताया, रूट वर्ड हियर इज अल्टर, ठीक है. अब अगर हमारा रूट वर्ड अल्टर है, तो अल्ट्रेशन इज अ वर्ड जिसका मीनिंग क्या होता है, मेकिंग इनटू समथिंग अदर. अच्छा, अब इसी को ना मैं आपको अंडरस्टैंड करवाती हूँ. फॉर एग्जांपल, अच्छा, कि आपने ना घूमने का प्लान बनाया, ठीक है. अब आपने घूमने का प्लान बनाया और वो प्लान कैंसिल हो गया, प्लान कैंसिल हो गया, फिर आपने कोई और प्लान बनाया, मतलब देर इज अल्ट्रेशन इन योर प्लान, ठीक है. अगर आपका एक प्लान कैंसिल हो गया और आपका नया प्लान बनता है, सो देर इज अल्ट्रेशन इन योर प्लान, ठीक है. देर इज अल्ट्रेशन इन योर प्लान, मतलब एक तो कैंसिल हो गया बट एक और बना ना, मेकिंग इन टू समथिंग अदर, ठीक है. एक और एग्जाम्पल इसका, जैसे हम लोग रेडीमेड क्लोथ्स लेते हैं ना, तो हम उनको अल्टर करवाते हैं, ठीक है, अल्ट्रेशन करवाते हैं, ठीक है. दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ अल्ट्रेशन. कहाँ से आया ये चीज, मैं फिर से बोल रही हूँ, अल्टर हैज अ रूट वर्ड जिसका मीनिंग होता है अदर, ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज अल्टरकेशन. अब अल्टरकेशन का मीनिंग क्या होता है, अल्टरकेशन का मीनिंग होता है वर्बल डिस्प्यूट, ठीक है. अल्टरकेशन का मीनिंग होता है वर्बल डिस्प्यूट. अब आप सोचोगे यहाँ पे इस पॉइंट में कि मैम तो कह रहे थे कि अल्टर का मीनिंग होता है अदर, तो यहाँ पे तो वर्बल डिस्प्यूट आ गया, ये तो अल्टर से रेजोनेट ही नहीं कर रहा. अभी समझाती हूँ, देखो वर्बल डिस्प्यूट है दो पर्सन के बीच में हो रहा है, ठीक है. अगर वर्बल डिस्प्यूट दो पर्सन के बीच में हो रहा है, तो डिस्प्यूट का रीजन क्या रहता है, ऑब्वियसली थॉट्स, थिंकिंग,
मीन्स एक पर्सन की थिंकिंग डिफरेंट है सामने वाले पर्सन से, तभी तो डिस्प्यूट हो रहा है या फिर वर्बल डिस्प्यूट हो रहा है, वर्बली अगर हम बोले जो हीटेड आर्ग्यूमेंट होता है ना दैट इज डिस्प्यूट। क्यों हो रहा है? क्योंकि एक पर्सन की थिंकिंग डिफरेंट है सामने वाले पर्सन से। हुआ रेजोनेट? ऐसे होता है। यस, सो दिस इज अल्टरेशन, अल्टरकेशन। अल्टरकेशन का मीनिंग होता है वर्बल डिस्प्यूट। वर्बल डिस्प्यूट क्यों हो रहा है? रीजन क्या है? थिंकिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर पर्सन। हुआ रेजोनेट? यस। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड इज अल्टर ईगो। ठीक है, अल्टर ईगो क्या होता है? अल्टर ईगो इज, ईगो क्या बताया मैंने? ईगो इज आई। ठीक है, ईगो हमने सबसे फर्स्ट उसमें करा था, ईगो इज आई एंड अल्टर इज अदर, मीन्स अदर आई, आपका अदर सेल्फ। जैसे अगर हम दो स्टूडेंट्स की बात करें ना स्कूल में या फिर कॉलेज में, आपका नेचर, आपका बिहेवियर, आपका टेम्परामेंट इफ सामने वाले पर्सन के साथ मैच कर रहा है ना, देन दैट पर्सन इज योर अल्टर ईगो। ठीक है, दैट पर्सन इज योर अल्टर ईगो, योर अदर सेल्फ। ठीक है, ये हम टेम्परामेंट के बेसिस पे ले सकते हैं, ये हम नेचर के बेसिस पे भी ले सकते हैं। ठीक है, सो दैट पर्सन इज अल्टर ईगो, सॉरी। ठीक है, सो ये हो गया अल्टर। अल्टर का मीनिंग एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, अल्टर का मीनिंग होता है अदर। सो अगर ये चीज आपके माइंड में क्लियर है तो हमने 6 to 7 वर्ड्स का मीनिंग इसी से ही अंडरस्टैंड कर लिया। ठीक है, आई होप आपको कोई डाउट नहीं है। नाउ लेट्स मूविंग फर्दर। नेक्स्ट इज, अच्छा अब देखो, नेक्स्ट रूट वर्ड हेयर इज वर्टो। ठीक है, नेक्स्ट रूट वर्ड हेयर इज वर्टो। वर्टो का मीनिंग क्या होता है? टू टर्न। वर्टो इज अ रूट वर्ड हेयर जिसका मीनिंग है टू टर्न। ठीक है, अब देखो टू टर्न, जैसे मैंने अल्टर का बताया ना आपको, वो अगर आपके माइंड में क्लियर है तो हमने अंडरस्टैंड करी मीनिंग, सेम चीज यहाँ भी अप्लाई होती है। अगर वर्टो का मीनिंग टू टर्न है, वो चीज आपके माइंड में क्लियर है, तो आप देखोगे कि सेम उसी तरह से और वर्ड्स के मीनिंग हम अंडरस्टैंड करेंगे। नेक्स्ट इज इंट्रोवर्ट। अच्छा, सो नेक्स्ट वर्ड इज इंट्रोवर्ट। आई होप आपने सुना होगा ये वाला वर्ड। इंट्रोवर्ट कौन से पीपल होते हैं, कौन सी पर्सनैलिटी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं? जिन जो योर थॉट्स आर कॉन्स्टेंटली टर्न इनवर्ड्स। अच्छा, ये तो इससे है ना कि इनवर्ड्स हो रहे इन, और समझो आप जैसे ना इंट्रोवर्ट पीपल होते हैं तो वो क्या अपने में खोए रहते हैं, शाइनेस हम इसे बोल सकते हैं, अपने ही थॉट्स को एग्जामिन करते रहते हैं वो लोग, है ना। सो इंट्रोवर्ट क्या होते हैं कि कॉन्स्टेंटली मतलब अपने शाइनेस नेचर के, जल्दी बात करना पसंद नहीं करते, अपने में ही रहते हैं। यस, सो अच्छा ये तो हो गया, मैंने आपको मीनिंग समझा दिया। अब हमने क्या बोला कि रूट वर्ड के थ्रू हम कैसे समझेंगे? देखो वर्टो आ गया टू टर्न, और इंट्रो का मीनिंग होता है इनवर्ड। ठीक है, इफ योर थॉट्स कॉन्स्टेंटली टर्न इनवर्ड, अगर आपके थॉट्स इनवर्ड्स टर्न करें कॉन्स्टेंटली, देन दैट पर्सन इज कॉल्ड एज इंट्रोवर्ट पर्सन। यस, हुआ यहां से रेजोनेट? यस। अब नेक्स्ट है एक्सट्रोवर्ट। तो जैसे हमने इंट्रोवर्ट को समझा, अच्छा ये क्या होता है, इससे अपोजिट होता है। इंट्रोवर्ट अगर अपने में ही रहना पसंद करते हैं तो एक्सट्रोवर्ट कौन होते हैं? जो कि है ना बातू नहीं बोल सकते हम, है ना, पब्लिक डीलिंग में पीपल से बात करना उनको पसंद होता है। अगर वो किसी पार्टी में चले जाएं तो पार्टी की एक तरह से है ना जान बोल देते हैं हम उनको कि है ना, अगर फर्स्ट टाइम भी जाते हैं तो लगता नहीं कि फर्स्ट टाइम गए हैं कहीं पे, है ना, ऑलवेज टॉकिंग टॉकिंग बोल सकते हैं, और लोगों के बीच रहना उनको पसंद होता है, मतलब वो चुप रह नहीं सकते। दोस पर्सन आर कॉल्ड एज एक्सट्रोवर्ट, है ना। अब यहाँ से हम समझेंगे वर्टो, रूट वर्ड आ गया इसमें, दैट इज टू टर्न। एक्सट्रो क्या होता है? बाहर की तरफ। तो योर थॉट्स कॉन्स्टेंटली टर्न आउटवर्ड्स, दोस वर्ड्स, है ना, अगर आपके थॉट्स बाहर की तरफ आउटवर्ड्स है ना मूव कर रहे हैं, सो टर्न कर रहे हैं, सो दोस पर्सन्स आर कॉल्ड एज एक्सट्रोवर्ट पर्सन्स। ठीक है, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। अब देखो बच्चों, ऐसा तो होता नहीं है कि एक पर्सन है वो ऑलवेज बोल रहा है, एक पर्सन है चुप है। तो जनरली लोग क्या होता है ना, एम्बीवर्ट नेचर के होते हैं। इंट्रोवर्ट भी हैं, एक्सट्रोवर्ट भी हैं, बट इन टर्म्स ऑफ नंबर हम देखना हो ना, सो जनरली पीपल क्या होते हैं, एम्बीवर्ट होते हैं। ठीक है, एम्बीवर्ट इज थर्ड वर्ड हेयर जो कि वर्टो टू टर्न इसी रूट वर्ड्स के थ्रू आया है। ठीक है, जैसे देखो एम्बी का मीनिंग होता है बोथ, बोथ। ठीक है,
ठीक है, वॉटो इज हेयर टू टर्न व्हेन योर थॉट्स कॉन्स्टेंटली टर्न इन बोथ डायरेक्शंस. ठीक है, बोथ डायरेक्शंस मींस एमबी का मीनिंग होता है वो, देखो ये और कहीं से नहीं आया, मैं यहीं से वर्ड से ही आपको अंडरस्टैंड करवा रही हूँ. एमबी का मीनिंग होता है बोथ, वर्ट इज टू टर्न. ठीक है, वर्टो इज टू टर्न, जो हमारा रूट वर्ड हम देख रहे हैं. जब आपके थॉट्स बोथ डायरेक्शंस में इनवर्ड और आउटवर्ड, मींस कि आप ना सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट कर रहे हो, जहां आपको लगता है कि आपको बोलना चाहिए आप बोलते हो, जहां आपको लगता चाहिए कि इट्स नॉट दैट नेसेसरी तो आप चुप रहते हो. ठीक है, सो दोस पर्सन, उन पर्सन के लिए कौन सा वर्ड है, एम्बीवर्ट. उस पर्सनैलिटी को क्या बोलते हैं, एम्बीवर्ट पीपल बोलते हैं. आई होप ये चीज भी आपके माइंड में क्लियर होगी होगी. ठीक है, यहां तक हमने कितने वर्ड्स करे हैं, ईगो से हमने स्टार्ट किया. ठीक है, ईगो इज आई, ईगोइस्ट करा, ईगोटिस्ट करा, ईगो सेंट्रिक करा, ईगो मैनिएक करा. उसके बाद हम आए अल्टर पे. ठीक है, तो अल्टर का मीनिंग होता है अदर. सो अदर से क्या करा, अल्टरनेट करा, अल्टरेशन करा, अल्टरकेशन करा. यस, फिर अल्टर ईगो करा. उसके बाद आए हम वर्टो पे. वर्टो का मीनिंग होता है टू टर्न. ठीक है, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट. जब आप अपने में ही रहना पसंद करते हो दैट इज इंट्रोवर्ट, जब आपको लोगों के साथ बात करना पसंद है दैट इज एक्सट्रोवर्ट, और एम्बीवर्ट होते हैं बोथ इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के लिए एम्बीवर्ट वर्ड यूज होता है. ठीक है, अच्छा अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, दैट इज एम्बीडेक्स्ट्रस. नेक्स्ट वर्ड इज एम्बीडेक्स्ट्रस. तो एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बी का मीनिंग बोथ, अभी हमने लास्ट स्लाइड में किया. एम्बी का मीनिंग होता है बोथ, अब एबल टू यूज बोथ हैंड्स विद इक्वल स्किल्स. ठीक है, क्योंकि यहां पे ना बोथ एमबी का आ गया ना बोथ. डेक्स्ट्रस इज स्किलफुल, डेक्स्ट्रस इज वर्ड जो है वो स्किल के लिए यूज होता है. ठीक है, तो एम्बीडेक्स्ट्रस पर्सन कौन होते हैं, एबल टू यूज बोथ हैंड्स विद इक्वल स्किल्स. ठीक है, और डेक्सटेरिटी इज स्किल, डेक्स्ट्रस इज एडजेक्टिव. ठीक है, अच्छा एक और चीज, जैसे डेक्स्टर, डेक्स्टर इज अ वर्ड विच इज यूज्ड फॉर राइट हैंड. ठीक है, राइट हैंड के लिए डेक्स्टर वर्ड यूज होता है. कि अब किसी को हमने अगर यहां देखना हो ना कि ऐसा पर्सन जिसके बोथ हैंड्स राइट हैंड है, जल्दी की मतलब राइट हैंड से ना हम लोग विल डू है ना काम अच्छे से और जल्दी करते हैं. तो मतलब कि एज अ पीपल, ऐसा कोई पर्सन जिसके बोथ हैंड्स आर राइट हैंड्स. ठीक है, तो वो हो गया डेक्स्टर. और अगर डेक्स्टर के लिए तो मैंने यहाँ पे सिनिस्टर एक वर्ड होता है जो लेफ्ट हैंड के लिए भी यूज होता है. ठीक है, तो डेक्स्टर की ऐसा पर्सन जिसके बोथ हैंड्स क्या हैं, राइट हैंड है. ठीक है, और डेक्सटेरिटीज मैंने बता दिया स्किल होता है, डेक्स्ट्रस इज स्किलफुल, और एम्बीडेक्स्ट्रस का मीनिंग क्या हुआ, एबल टू यूज बोथ हैंड्स विद इक्वल स्किल. ठीक है, अच्छा ये वाला चीज ना बच्चों, डेक्सटेरिटी, ये आपके एनडीए में प्रीवियस ईयर में जो सिनोनिम पूछे गए थे ना उसमें एक ऑप्शन था. ठीक है, एक मैं वो वर्ड इस टाइम पे आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, बट ये ऑप्शन में वर्ड था. तो इससे क्या होता है, जैसे हम ये वर्ड्स करते हैं, ठीक है, तो हम ऑप्शन को एलिमिनेट करने में भी हेल्पफुल होता है. ठीक है, सो डेक्सटेरिटी वर्ड जो है वो ऑप्शन में था. यू कैन चेक, आई गेस 2013 या 14 समथिंग का क्वेश्चन था वो, जिसमें डेक्सटेरिटी ऑप्शन में यूज हुआ था. ठीक है, तो डेक्सटेरिटी क्या होता है, स्किल होता है, और डेक्सटर्स हम स्किलफुल के लिए यूज करते हैं. यस, ओके, सो वी आर डन विद द वीडियो. सो देखो स्टूडेंट्स क्या होता है, ये हमारा सेशन वन था. ठीक है, पर्सनैलिटी टाइप्स पे, कि जितने लोगों की पर्सनैलिटीज होती हैं उनके लिए कौन कौन से वर्ड्स हम यूज करते हैं. ठीक है, इसका पार्ट बी भी आएगा. ठीक है, जो भी हम रूट वर्ड्स के थ्रू हम अंडरस्टैंड करेंगे. आई होप आपको ये जो हमने आज सेशन किया, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट. और आपके कोई डाउट्स होंगे तो, यू कैन कमेंट है ना बिलो. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू, जय हिंद.